सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग और बड़ों को मेरा पहला स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से और रुद्रांश और मैं आ गए हैं छत में कपड़े डालने के लिए। नहाना धोना हो गया है हमारा और तनु की दुकान चले गए हैं और घर का सारा लगभग काम हो चुका है और मैं आई हूँ छत पर रुद्रांश के साथ। थोड़ी देर खेल रहा है रुद्रांश यहाँ पर सर बच रहे बाबू ठीक है दीदी मन गया। अरे बच वाला ठीक है। तो गाइस हम अपनी बुआ के वहाँ पहुंच गए फाइनली और बिटोली का महीना है और हम बिटोली देने आए हैं अपनी बुआ को। भाभी आए और नींबू सान भी दिया है और आहा कितना टेस्टी लग रहा है और खाने में कैसा हो रहा है अभिषेक बताएगा चक्के। चलो बताओ अच्छा हो रहा है खाने में। अभी चाखा नहीं है सुबह के 7 बज रहे हैं। ये अभी से कुरकुरे खाने लग गया है। मैंने इसको कितना मना किया मत खा सुबह सुबह लेकिन ये फिर भी खाता है। ऐसे ही प्रियांशु को पता चला कि अभिषेक लोग आ रखे हैं तो प्रियांशु पेपर देके सीधे यहाँ आ गया और जब से ये तीनों एक हो रखे हैं तब से मतलब लड़ने में ही है और उनके साथ रुद्रांश भी तकिया लेके खूब मारपीट कर रहा है उनके साथ। मतलब हाथ से भी मार रहा है खुद भी गिर रहा है और तकिया तो उसे संभाली जा नहीं रही है फिर भी उनके साथ बहुत ज्यादा लड़ रहा है और मेरे को बोल रहा है देखो मैं नहीं लड़ रहा हूँ बोल रहा है। और ये तीनों को तो भाई साहब इन लोगों ने तो बहुत ही आतंक मचा रखा है। मतलब जैसे हम खुद के घर में हो किराया में ना हो वैसे हल्ला मचा रहे हैं ये लोग। रुद्रांश के पापा बिस्तर उठा रहे हैं और रुद्रांश कितने ठाट से यहाँ पर तकिए में सो रखा है देखो क्या हुआ नीनू नीनू आ रही चलो फिर छो जाओ छोई छोई कर दो अब नहीं आ रही। दादा भी छो गया एक दादा यहाँ पर बैठा है। घर में आलू खत्म हुए तो हम धनपुरी आलू लेने गए थे मैं और प्रांशु। बुआ आटा गूंद रही है और हमारे लिए आलू के पराठे बना रही है। आलू रखे हैं इंडक्शन में और ये बुआ आटा गूंद रही है। आलू कितने रुपए किलो हो रहे हैं? 20 रुपए किलो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग और बड़ों को मेरा पहला और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। होली कल से स्टार्ट हो गई थी मतलब 20 तारीख से होली स्टार्ट हो गई है। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं स्वपरिवार। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होली खेल रहे होंगे और हम लोग भी बढ़िया से खेल रहे हैं। कल तो 20 तारीख थी कल तो मैं नहीं जा पाई होली में क्योंकि मेरे भतीजे आए थे मेरे को भिटोली देने के लिए और वो मेरे साथ ही थे सुबह से उनके साथ थी तो शाम के टाइम पर मतलब मुझे नींद आ गई थी उसके कारण मैं नहीं जा पाई। लेकिन आज मैं जा रही हूँ होली की होली में से हम लोग मार्केट गए थे और होली का कुछ सामान लेके आए और रुद्रांश के लिए भी थोड़े बहुत कपड़े खरीदने थे वो लेके आए और थोड़ी देर पहले ही हम लोग घर पहुँचे हैं। और ये वाला कुर्ता भी मैं आज मार्केट से ही लेके आई। हल्द्वानी में मेरी फर्स्ट बार है शादी के बाद तो कुर्ता मेरे पास था नहीं तो हम लोग मार्केट गए और वहाँ से रुद्रांश के भी लिए भी लाए और मेरे लिए भी लाए। तो चलिए जी होली में चलते हैं। सभी लोग चले गए हैं और मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि 4:30 हो गए हैं। अब सभी लोग वहाँ चले गए होंगे और आधी होली हो भी गई होगी और रुद्रांश को भी ले जाते हैं। अभी रुद्रांश को मैंने खाना खिला रखा है उसने ओट्स खा लिया था तो चलिए जी चलते हैं रुद्रांश को भी ले जाते हैं। यहाँ पर मैं लेट हो गई हूँ होली हो गई है और अब है नाचने की बारी और ये लोग पूजा दी मजाक उड़ा रहे हैं मेरी क्योंकि इनको मतलब मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता है
तो मेरी भी आज मजाक उड़ा रहे हैं। थोड़ा बहुत मजाक किया, बस आ गए घर की ओर और 5:30 हो गए हैं और थोड़ी देर में जाएंगे दूध लेने के लिए। तो सुबह से तो मार्केट में थे और घर का काम करके सीधे हम लोग 11:30-12 बजे तक मार्केट चले गए थे। उसके बाद अभी आ रहे थे हम, उसके बाद होली में ही चले गई। तो अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अब कल की होली में आप लोगों को ले जाएंगे। डांस वगैरह वगैरह इसलिए ज़्यादा नहीं दिखा पाई आप लोगों को क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाता है, और कॉपीराइट इशू हो जाएगा फिर हम लोगों को गाने म्यूट करने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। तो होली तो पहले ही उन लोगों ने ढोलक बजा के गा ली थी, उसके बाद पहुँची मैं। तो आप लोगों को आज जितना भी हुआ उतना ही दिखा पाई, कल की वीडियो में आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे। तो इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपने साथ अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।